नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, अभी सुबह का 8 बज रहा है और दोस्तों कल हम लोग वीडियो नहीं डाले थे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कल हम लोग अस्पताल गए थे जो कि अंजू का खून जांच करवाने दोस्तों, क्योंकि तबीयत ठीक हो गया था, फिर भी रात रात में थोड़ा थोड़ा बुखार हो रहा था। इसीलिए सोचे कि एक बार खून जाँच करवा लें, क्योंकि क्या बात है, रात रात में बुखार आ रहा है और दिन में अच्छा लग रहा है दोस्तों। और अभी वो दवा भी दिखाएंगे दोस्तों आप लोगों। और दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे माड़ भात और मुनगा साग दोस्तों, और सुबह का खाना आज हम लोग का यही रहेगा दोस्तों, माड़ भात और मुनगा साग। और इधर हम लोग चूल्हा उल्हा जला लिए हैं दोस्तों, जो कि चूल्हा थोड़ा बुत गया है। और इधर हम लोग पानी चढ़ा दिए हैं, ये देखिए पानी भी गर्म हो गया है दोस्तों। और दोस्तों अभी आप लोगों को दवा दिखा दे रहे हैं दोस्तों, जो कि हम लोग क्या क्या दवा दिए हैं डॉक्टर साहब। अगर आप लोग ऐसा हैं डॉक्टर उक्टर देखते हैं हम लोग का वीडियो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और दवा में क्या क्या दिए हैं आप लोग को दिखा दे रहे हैं अभी दोस्तों। तो चलिए अंजू दवा लेकर के आएगी दोस्तों, और अभी दिखा दे रहे हैं जो कि दवा में क्या क्या है। और ये रहा दोस्तों हम लोग का दवा, सब देख सकते हैं जो कि इतना सारा दवा दिए हैं हम लोग को डॉक्टर साहब, और खून वून जाँच करवाए थे दोस्तों। और ये रहा खून जांच वाला दोस्तों, जो कि देख सकते हैं यहाँ ब्लड टेस्ट वाला यहाँ पॉजिटिव बता रहा है दोस्तों, और यहाँ क्या क्या प्लस माइनस कर दिए उतना हम लोग नहीं जानते हैं। और इधर देख सकते हैं डेट जो कि इधर है 26/7/2023 दोस्तों। और ये रहा दवा वाला कागज़ दोस्तों, जो कि दवा दिए थे, ये भी कल का है दोस्तों, जो कि हम लोग बंगाल गए हुए थे दोस्तों, जो कि देख सकते हैं यहाँ बंगाल से लिखा हुआ है। और इधर दवा लिख दिए हैं, और ये कौन सा विटामिन दिए हैं दोस्तों कि क्या है, इसीलिए हम लोग चल गए दोस्तों, क्योंकि अंजू का रात रात में तबीयत खराब हो रहा था, दिन में अच्छा लग रहा था, रात को तबीयत खराब हो रहा था, इसीलिए हम लोग चल गए थे। और दोस्तों आप लोगों को दिखा दिए जो कि हम लोग का रिपोर्ट में क्या क्या था दोस्तों, जैसे खून जांच करवाएं और दवा ववा लिए दोस्तों, जो कि हम लोग इसीलिए कल हम लोग वीडियो नहीं डाल पाए थे दोस्तों, क्योंकि कल काफ़ी मुश्किल में पड़ गए थे। और वहाँ भी हम लोग ट्राई किए थे कि वीडियो बनाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब मना कर दिए कि वीडियो शीडियो यहाँ नहीं बनाना है मेरा अस्पताल में, इसीलिए हम लोग नहीं बनाए, क्योंकि हम लोग ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चावल को डालेंगे, जो कि हम लोग का पानी गर्म हो गया है दोस्तों, और इधर हम लोग चावल निकाल लिए हैं। और ये रहा हम लोग का चावल, और देख करके फिर हम लोग आएंगे ईंट को, क्योंकि कोई ले गया क्या, क्योंकि काफ़ी मुश्किल से हम लोग ईंट गिराए हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों, जो कि हम लोग महिला समिति से पैसा निकाल के हम लोग ईंट गिराए हैं, अगर कोई ले जाएगा 2-4-5 करके तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा दोस्तों, घर हम लोग नहीं बना पाएंगे इस समय। तो चलिए हम लोग फटाफट खाना को रेडी करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर ईंट देखने के लिए। और ये देखिए दोस्तों इधर चावल हम लोग डाल दिए, और इधर हम लोग चावल को डाल दे रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों इधर हम लोग का चावल हो गया, और घुसा रहे हैं दोस्तों अब हम लोग। और दोस्तों हम साग लेकर के आ गए, और ये रहा साग दोस्तों, जैसे देख रहे हैं आप लोग, अब साग को बनाएंगे और खा करके चलेंगे दोस्तों फिर हम लोग ईंट देखने के लिए, क्योंकि कोई चोरी कर रहा है क्या, क्योंकि फंका जगह में है। तो अभी साग को बनाते हैं हम लोग, और हम साग लेकर के आ गए, और अभी मिल करके बनाते हैं साग को, उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे दोस्तों ईंट देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों पहले बना लेते हैं साग को, उसके बाद खा करके हम लोग चलेंगे। और ये रहा साग दोस्तों, देखिए कितना हरा भरा, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और दोस्तों इधर हम लोग साग बना लिए, और ये देखिए दोस्तों हम लोग का साग जो ही कैसा है, जो कि हरा भरा काफ़ी अच्छा दिख रहा है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब कटिंग करते हैं दोस्तों, उसके बाद भूंजेंगे, उसके बाद खाना खा करके फिर हम लोग चलेंगे दोस्तों ईंट देखने के लिए। और दोस्तों इधर हम लोग साग कटिंग कर लिए, और ये देखिए प्याज हम लोग डाल दिए, जो कि साग मुलायम रहता है इसीलिए प्याज डाल दिए, और खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है प्याज डाल करके खाने से साग। तो चलिए दोस्तों अब फटाफट बनाते हैं हम लोग, जो कि प्याज डाल देने से काफ़ी अच्छा लगता है खाने में साग, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जो कि एक नंबर लगता है दोस्तों खाने में। और आज हम लोग बना रहे हैं दोस्तों मुनगा साग और माड़ भात, जो कि खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, और आप लोग भी खा सकते हैं, मुनगा साग काफ़ी अच्छा लगता है और फ़ायदेमंद है, मुनगा साग खाने से कोई भी साग खाने से काफ़ी अच्छा लगता है और फ़ायदा भी रहता है साग में, क्योंकि मिलावट उतना नहीं रहता है, और इसीलिए हम लोग ज़्यादा साग पात ही खाते हैं। और इधर रहा हम लोग का प्याज, और इधर हम लोग साग को डाल दिए दोस्तों, ये देखिए जो कैसा दिख रहा है, एकदम मुनगा साग काफ़ी अच्छा लग रहा है, हरा भरा एकदम काफ़ी अच्छा दिख रहा है देखिए।
चलिए भुंजा जाता है, उसके बाद दिखाते हैं फिर कैसा कलर हो जाता है, कलर चेंज हो जाएगा। और इधर हम लोग का साग रेडी हो गया दोस्तों, और ये देखिए कैसा दिख रहा है, जो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, एकदम तेल डाल दिए और प्याज। और दोस्तों इधर हम लोग का साग हो गया, जो कि कैसा दिख रहा है दोस्तों देख लिए आप लोग। और चलिए अब उतारेंगे और हम लोग खाना खाएंगे और चलेंगे दोस्तों फिर हम लोग ईंट देखने के लिए, क्योंकि कोई ले जा रहा है क्या देखना पड़ेगा। कल तो हम लोग नहीं थे क्योंकि कल हम लोग दिन भर चल गए थे दोस्तों, उधर ही दवा हुआ करवाए, काफ़ी लेट हो गया और रात में हम लोग आए थे दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग खाना खाएंगे। और ये देखिए दोस्तों हम लोग खाना लगा लिए, जो कि माड़ भात और साग है दोस्तों, मुनगा साग। और ये मुनगा साग है जो कि काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और हम लोग खाने के लिए बैठ गए दोस्तों, और ये देखिए हम लोग का साग और माड़ भात, जो कि हम लोग यही खाते हैं दोस्तों गांव देहात में। और इधर अंजू भी खा रही है, चलिए फटाफट खा लेते और ईंट देखने जाएंगे दोस्तों। दोस्तों हम लोग खाना वाना खा लिए और जा रहे हैं दोस्तों अब हम लोग ईंट देखने के लिए। तो चले दोस्तों वहाँ पहुँचते हैं और दिखाते हैं, जो कि हम लोग का ईंट सेफ है कि कोई ले गया है। हम लोग पहुँच गए और यही रास्ता से हम लोग आना जाना करेंगे दोस्तों। और हम लोग पहुँच गए और ये देखिए जो कि हम लोग घर बनाएंगे वहाँ। और इधर हम लोग एक गाड़ी जो गोटा ईंट गिराए हैं, जो कि ये गोटीना है। और ईंट सब तो अभी कोई नहीं ले गया है लग रहा है, पूरा सेफ है, कोई नहीं ले गया हम लोग का ईंट, जो कि आप लोगों को पता है, जो कि हम लोग महिला समिति से पैसा निकाले हैं और ईंट गिराए हैं दोस्तों। तो ईंट हम लोग का पूरा सेफ है, कोई नहीं ले गया। और दोस्तों हम लोग का ईंट पूरा सेफ है, जो कि कोई नहीं ले गया है दोस्तों। और हम लोग बहुत जल्द घर बनाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण जी से पूछना पड़ेगा कि कौन सा दिशा में बनता है घर बनाना, क्योंकि ये हम लोग का इधर चलता है कि ब्राह्मण जी से पूछ लेना पड़ता है कि कौन सा दिशा में घर बनाने के लिए बनता है, वही दिशा में हम लोग को घर बनाना पड़ेगा। और पूरा साइड साइड में हम लोग घोरना लगा देंगे दोस्तों, और फिर हम लोग घर को बहुत जल्द रेडी करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो रहा है कोठा घर में और बरसात का भी दिन आ गया है। तो आप लोग जैसे जानते हैं कोठा घर में कितना पानी गिरता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कर दीजिएगा लाइक, अगर चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।